एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज, विपक्षी एकता के जवाब में होगा शक्ति प्रदर्शन। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दावा कर दिया है, हमारे 38 सहयोगियों ने बैठक में शामिल होने की पुष्टि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, आज शाम 4 बजे दिल्ली के अशोका होटल में बैठक होगी। मीटिंग में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, एनसीपी का अजीत पवार गुट, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, सुभा सपा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, सेक्युलर राष्ट्रीय लोक जनता दल रालोजत, वहीं अन्ना द्रमुक पवन कल्याण की जनसेना समेत कई अन्य बड़े दल हिस्सा लेंगे। जहां यूपीए पहले ही दम भर रहा है, बेंगलुरु में 17 और 18 यानी कि कल एक बैठक रखी गई और उसके बाद आज भी बैठक, और इसी बीच एनडीए की ये बड़ी बैठक। आपको याद होगा इससे पहले जब जेपी नड्डा पहुंचे थे जयपुर 16 जुलाई को, तो उन्होंने यूपीए का नया फुल फॉर्म दे दिया था। यूपी को उन्होंने उत्पीड़न, परिवारवाद और अत्याचार करने वाली पार्टी बताया था इस पूरे ही यूपीए सरकार को, और अब एनडीए का शक्ति प्रदर्शन। इसी बीच लोकसभा चुनाव 2024 लक्ष्य है, जहां विपक्षी एकता की बात करें जिसे अमित शाह फोटो सेशन का नाम भी दे चुके हैं। जब इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर बैठक हुई थी बीते माह, तो इस बैठक को गृहमंत्री अमित शाह ने महज फोटो सेशन का नाम दिया था। इतना ही नहीं, कई बड़े आरोप भी जड़े थे, और अब ऐसे में एनडीए की ये बड़ी बैठक, अब क्या रणनीति रहती है? क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि वहां यूपीए की अगर बात करें तो वहां जो मोर्चा है वो सोनिया गांधी या नीतीश कुमार आज संभालते हुए दिखाई दे सकते हैं। हालांकि विपक्षी एकजुटता का जहां लगातार दावा किया जाता है, ऐसे में कुछ अभी भी क्राइसिस लगातार बताए जाते हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी के आपस के बीच की दरारों की खबरें भी आती हैं। दरार ऐसे कि चाहते हैं कि साथ मिले हर मुद्दों पर, और क्या सीट दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है, क्या वो सीटें कांग्रेस पार्टी छोड़ेगी? तो अन्य सीटों को लेकर के लगातार यहाँ संदेह की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच एनडीए भी तैयारी में है, हालांकि ये लक्ष्य ज्यादा आसान नहीं रहने वाला है यूपीए के लिए भी, इस लिहाज से भी, क्योंकि जहां दावा किया जा रहा है गृहमंत्री अमित शाह या फिर बीजेपी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा कि इस बार 300 प्लस से सरकार बनाएंगे लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर, लगातार 9 साल की उपलब्धियां भी केंद्र सरकार गिना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से कार्य हुए हैं वो कार्य गिनाए जा रहे हैं बीजेपी द्वारा। और देखिए, आप ध्यान करिए कि जब लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय नेता जिन जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहां पहुंच रहे हैं, अगर जनसभा वहां कर रहे हैं, तो फोकस सिर्फ विधानसभा चुनाव पर नहीं है बल्कि फोकस लोकसभा चुनाव पर भी है। कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है, और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है।